निशा की गोद में उगता है सूरज, उषा के आंचल में चंद्रमा सितारे। कहती है गुमसुम सी पागल पवन, कहती है गुमसुम सी पागल पवन, ये प्रेम में क्यों होता है, ये प्रेम में क्यों होता है। मैं प्रारब्ध हूं। कितना अच्छा लगता है जब किसी आश्रम में पारिवारिक संबंध विकसित होने लगते हैं। सनातन सभ्यता की वर्ण व्यवस्था अथवा वर्ण आश्रम कितने अनुपम आविष्कार हैं। यहां मनुष्य अपने जीवन को संपूर्णता दे सकता है, उच्चता दे सकता है, और इनका पालन करते हुए वो आने वाली पीढ़ियों को एक सीख भी दे सकता है। एक ओर जहां स्वर्ग की व्यवस्था सबको नीरसता से भर देती है और गृहस्थ आश्रम की अनभिज्ञता उन्हें प्रतिपल दुख की आशंका से ग्रस्त किए रहती है, वहीं आश्रम का जीवन कितना सुंदर होता है। हर कार्य में परोपकार की भावना, ऋषि शुक्र हो या अन्य कुमार, इनका लक्ष्य स्वयं के लिए अट्टालिकाएं खड़ी करना नहीं, अपितु पृथ्वी को सबके लिए सुरक्षित बनाए रखना है।
स्वामी, तो फिर आप मुझे पितामह भृगु एवं पितामही पुलोमा की सेवा करने का अवसर क्यों नहीं देते? जयंती, ये तुमने क्या किया? मेरी धोती फाड़ डाली? किंतु क्यों? हे इंद्रपुत्री, मेरी प्रियतमा, मेरे मन में आने वाला विचार क्या सत्य है? क्या ये सत्य है कि मैं पिता और तुम माता श्री के अलंकार से अलंकृत होने वाले हैं? यदि ये सत्य है, तो तुमने मेरे जीवन की अतिशय महत्वपूर्ण आकांक्षा को परिपूर्ण कर दिया। भृगुकुल तुम्हारे दिए इस उपहार को सहज स्वीकार करता है। स्वामी, मुझे बताइए, आपको पुत्र चाहिए या पुत्री? मुझे तो देव कन्या जैसी मोहक पुत्री चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। परंतु स्वामी, मुझे तो ऋषि कुमार चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। नहीं, मुझे तो देव कन्या जैसी ही पुत्री चाहिए। किंतु मुझे ऋषि कुमार चाहिए, बिल्कुल आपके जैसा। नहीं, देव कन्या। ऋषि कुमार। देव कन्या। ऋषि कुमार। देव कन्या। स्वामी, अगर आपने मुझे एक और बार देव कन्या कहा तो मैं रुष्ट हो जाऊंगी। कन्या तो आप देव की ही हैं, भारे अवश्य ऋषि की हैं। स्वामी। और हाँ, पुत्र हो या पुत्री, ये तो विधाता की इच्छा के अनुकूल होता है। इसलिए पुत्र या पुत्री हमें मान्य होना चाहिए। माँ की स्मृतियों ने आपको व्याकुल कर दिया पिताश्री। मुझे तुम्हारी माँ की स्मृतियों ने नहीं सोने दिया, परंतु तुम क्यों जाग रही? पिताश्री, आपकी व्याकुलता ने मुझे विवल कर दिया। मेरे जीवन में जयंती की कमी सदा शूल बंद कर चुपती रही और चुपती रहेगी। पिताश्री, आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। मैं ऐसा क्या करूं कि आपको माता श्री की याद ना आए? क्योंकि उनकी याद आपकी आंखों को मात्र भिगोती है। दे, मेरी पुत्री। पिताश्री, हम चाहते हैं कि हम अपनी माता की छाया बनकर आपको हर कार्य में सहयोग करें। आज से घर के सारे कार्य हम करेंगे। आपको तनिक भी दुख? पुत्री देव, तुम तो मेरे लिए सुख का पारिजात हो। मेरी आशाओं के आकाश का सूर्य तुम ही तो हो देव, फिर भला तुमसे दुख?
इसकी तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता पुत्री। मेरी चिंता छोड़ दो पुत्री, तेरी लाडली सो जाओ। ये प्रेम में रानी, आपकी ममता रूपी बगिया का यह पुष्प सोते हुए भी कितना सुंदर लगता है। समझ गई महाराज, आप ही कहने का तात्पर्य है कि हमारी पुत्री समीक्षा सुंदरता की प्रतिमूर्ति है। महारानी, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी के सौंदर्य और सौभाग्य को कुदृष्टि से बचाए। हाँ महाराज, माता पिता निर्धन हो या धनवान, राजा हो या प्रजा, परंतु सभी के जीवन का मुख्य उद्देश्य एकमात्र संतान का सुखी होता है। प्रत्येक माता पिता की प्राय यही कामना होती है कि संसार का समस्त सुख, समस्त वैभव और समस्त ऐश्वर्य ईश्वर उसी की संतान की झोली में डाल दे। संभवतः आपका कथन सत्य है महारानी, किंतु पुत्री शर्मिष्ठा मेरे लिए कोई साधारण संतान नहीं है, अभी तो मेरे लिए एक सुखद आश्चर्य है। इसने मेरी पुत्री के रूप में जन्म लेकर मुझे कृतार्थ किया है। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महारानी, मेरी पुत्री शर्मिष्ठा ने न केवल मुझे पिता बनने का गौरव प्रदान किया है, बल्कि राजा के रूप में मुझे प्रसिद्धि भी शर्मिष्ठा के जन्म के पश्चात ही मिली है। नहीं महाराज, एक पिता का अपने पुत्री के प्रति वात्सल्य भाव है। शर्मिष्ठा के जन्म से पूर्व भी आपकी प्रसिद्धि थी और मेरी लाडली ने मेरी ममता को संतोष का सुखद आभास कराया है। महारानी, यदि सत्य कहूं तो मुझमें वैराग्य जागने लगा है। वैराग्य? हाँ महारानी, जी करता है कि राजकुमारी शर्मिष्ठा के बड़े होते ही राजपाट का समस्त दायित्व इन्हें सौंप कर मैं स्वयं संन्यास ले लूं और तपस्या का मार्ग अपनाकर विश्व कल्याण करूं। महाराज, आपकी भावना सराहनीय और सम्माननीय है, परंतु? परंतु क्या महारानी? मैं अपनी लाडली के कोमल कंधों पर राजनीति और राजपाट का कठोर भार नहीं देख सकती महाराज। महारानी, आप ममता के अधीन होकर बोल रही हैं। क्षमा स्वामी, आप ये राजपाट की बातें अपने मंत्रियों से ही कीजिए। ठीक है, रात्रि भी अधिक हो गई, अब हमें विश्राम करना चाहिए। तुम? आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैं मालिनी नदी पर स्नान करने जा रहा था पुत्री। तो हम भी आपके साथ चलेंगे। हाँ पिताश्री, हम आपके कपड़े भी धो देंगे और नदी पर स्नान भी कर लेंगे। परंतु इतनी भोर में, अभी तो सूर्यदेव भी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुए हैं। अभी तो विश्राम करो, सो जाओ, अन्यथा निद्रा देवी रुष्ट हो जाएंगी। हमने निद्रा देवी को प्रणाम करके वापस निद्रा लोक भेज दिया है। परंतु मेरी देव, शरीर के लिए विश्राम आवश्यक है। हम कुछ नहीं सुनेंगे, बस आपके साथ चलेंगे। आओ चलो। ये प्रेम में क्यों संकृति, निकल चल, गुरुदेव आते ही होंगे। तैरना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। तू स्वास्थ्य सुधार, वो देख गुरुदेव आ गए। क्या
उनके साथ कोई छोटा बालक भी है। अरे सुना होगा, सुना गुरुदेव ने आज उसे भी जगा दिया होगा। सुना नहीं है संकृति, हमारी गुरु बहना देवयानी है। क्या देवाई है? आज मैं उसे तैरना सिखाऊंगा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। देव तुम यहाँ बैठो, मैं अपने वस्त्र धो लेता हूँ। पिताश्री, हम नदी तट पर विश्राम अथवा जल दर्शन करने नहीं आए हैं। तो फिर? हम आपके कार्य में हाथ बटाने आए हैं। हम भी वस्त्र धोएंगे। नहीं देव। गुरुदेव, आप हमें पाप का भागीदार बना रहे हैं। गुरु की सेवा शिष्यों का धर्म होता है। गुरुदेव, आप अपने वस्त्र नहीं धोएंगे। हमें अपनी सेवा का अवसर देकर पूर्ण लाभ अर्जित करने दीजिए। अग्रत संकृति मेघ और अष्टक बड़े सभ्य और योग्य है पिताश्री। सुखी रहो। चलो मैं तुम्हें स्नान करा देता हूँ। गुरुदेव, देव को मैं तैरना सिखाऊंगा। सांकृति, तुम बहुत देर तैर चुके हो। स्नान करना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है, किंतु उसके बाद का कर्म तो कर लो। गुरुदेव, अभी तो मैंने मात्र एक डुबकी लगाई है। झूठा है गुरुदेव, एक घड़ी से ही मैं तैर रहा है और नदी के उस तट पर जाने की भी सोच रहा था। कोई बात नहीं, कल कोई मुझे बता रहा था मालिनी नदी में 8-9 घड़ियाल दिखे थे। घड़ियाल? वो गुरुदेव, देव को आप नहला दो, मैं स्नान के बाद के कर्म कर लेता हूँ। नहीं सांकृति, मैं तो सोच रहा था कि तुम ही देव को तैरना सिखा दो। तनिक सोचो, यदि मालिनी नदी में घड़ियाल होते तो पिताश्री मुझे यहाँ लेकर आते? अरे हाँ गुरुदेव, मैं देव को तैरना सिखाऊंगा। नहीं नहीं, मैं सिखाता हूँ। गुरुदेव मैं सिखाऊंगा। नहीं गुरुदेव, मैं सिखाऊंगा। नहीं मैं सिखाऊंगा। मैं सिखाऊंगा। जयंती, तुम्हारी देव को हर कोई प्रेम करता है। कदाचित तुम यहां होती तो कितनी प्रसन्न होती।